फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना 2 किलो वेट एक हफ्ते में कैसे रिड्यूस किया है। तो जो मेरा वेट था वो था 57.4 kg एंड आफ्टर 1 वीक ही हो गया है 54.4 kg, यानी कि ऑलमोस्ट 2 kg मैंने वेट लॉस किया है। तो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने क्या खाया, उससे पहले मैं शेयर करूँगी कुछ बेसिक टिप्स हैं। जैसे कि आपको वॉक करना है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स का आपको वॉक करना ही करना है विदाउट एनी फेल। हफ्ते में 5 दिन आप इसको कर लीजिएगा तो वो भी इनफ रहता है। सुबह शाम बच्चे के साथ घूमना है या किसी भी वे से या शॉप तक जाना है तो आप वो पैदल चल के जाएं, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगर योगा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। उसके अलावा आपको एक दिन में 3 लीटर पानी पीना ही है। पानी आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें भूख लगी है लेकिन वो भूख नहीं होती है, वो प्यास होती है। तो हम उस टाइम पर अगर पानी पी लेते हैं तो अननेसेसरी खाने से हम बच जाते हैं और ये हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। तो एक दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। आप बोतल से मेजर करके पीजिएगा, ऐसे ही नहीं कि ग्लास में लेके पी लेना है, क्योंकि उससे फिर आपका ट्रैक नहीं रहेगा। बोतल से मेजर करेंगे तो वो ट्रैक आपका बना रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना डे एक नॉर्मल आरओ ग्लास ऑफ वाटर के साथ। कोई भी गर्म पानी नहीं पीना, सिंपल आरओ वाटर हमें लेना है। उसके बाद हमें लेना है एप्पल साइडर विनेगर। तो मैं एप्पल साइडर विनेगर अभी यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑल्टरनेट वीक पे मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे न्यू हर्ब्स का एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ। तो जो न्यू हर्ब्स का एप्पल साइडर विनेगर है, ये विद मदर आता है। जब भी आप ACV लेंगे तो वो हमेशा विद मदर होना चाहिए। साथ में ये रो अनफिल्टर्ड एंड अनपॉस्चराइज्ड है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ACV लें तो आप विद मदर ही लें। साथ में ये प्रिजर्वेटिव्स फ्री है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर एंड कलर है और ना ही कोई शुगर इसके अंदर एडिड है। इसके साथ ही ये ग्लूटेन, डायरी, सोय एंड पीनट फ्री भी है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसके बैक साइड में आपको इसके सारे न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएगी। आप इसके ऊपर कुछ कैशबैक है वो भी मिलता है। साथ में इसके जो रिकमेंडेड डोज है वो भी बैक साइड में इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है। इसका प्राइस 249 है एंड शेल्फ लाइफ आपको इस पर 18 मंथ्स की मिलती है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपके फैट को बर्न करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है जो कि आपके पेट को काफ़ी टाइम तक फुल फिल करवाता है, जिससे कि आप खाना कम खाते हो। मोस्टली हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तभी हम ज़्यादा खाते हैं, लगता है कि भूख लग रही है। तो जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो ना, तो आपको लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ है, इसलिए आप कम खाना खाया जाता है। तो इसी तरह से ये आपकी हेल्प करता है। एंड इसको आपको एक ग्लास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसको मिक्स करना है एंड आप इसको जो स्ट्रो है उसकी हेल्प से भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि इनेमल, जो दांतों पे इनेमल होता है, उसको ये हार्म करता है। तो आप प्रिकॉशंस के तौर पे जो स्ट्रो है उसका यूज़ कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रोडक्ट का, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जाना है 45 मिनट्स की वॉक के लिए। 6 से 7 हज़ार स्टेप आपको करने हैं और इसको 10 हज़ार स्टेप तक आपको लेके जाना है। उसके बाद घर वापस आके 5-7 मिनट के बाद आपको जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने हैं। 4 से 5 आप बादाम ले लीजिएगा, 2-3 काजू एंड 3-4 किशमिश, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी रखनी है। उसके बाद हमें जो खाना बनाने में, ब्रेकफास्ट बनाने में 45 मिनट्स लग जाते हैं, 30 to 45 मिनट्स। तो तब हमें कोई भी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं चने की दाल और मूंग दाल का चीला ले रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी और दूसरे चैनल का लिंक है वो भी मैं नीचे छोड़ दूंगी। तो कोई भी हाई प्रोटीन आप ब्रेकफास्ट करना है, जैसे कि छोटा जो चीला है इस तरह के आपको 2 चीला लेने हैं, एंड जो बड़ा वाला चीला है अगर आप वो ले रही हो तो वो आपको 1 लेना है।
इसी तरह से आपको जो पोर्शन कंट्रोल है वो करना है, और मैं इसको ले रही हूँ अपनी चाय के साथ। यस, लेकिन चाय में मैंने शुगर नहीं डाली है, मैंने जैगरी पाउडर, जो शक्कर होती है, जैगरी पाउडर जो होता है वो डाला है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, दिन में हमें 2 कप ग्रीन टी लेनी है ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के अंदर, 30 to 45 मिनट्स के अंदर हमें जो है, सॉरी 45 मिनट्स to 60 मिनट के अंदर हमें जो ग्रीन टी है वो ले लेनी है। ग्रीन टी में कोई भी हनी शुगर ऐड नहीं होगा, ना ही कोई बिस्किट आप इसके साथ लोगे, ये ऐसे की ऐसी आपको लेनी है, कोई भी आप यूज कर सकते हो ग्रीन टी। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद एक सीजनल फ्रूट लेना है, या लस्सी ले लो आप, या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट लो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आप पपाया, अमरूद और संतरा, इन तीनों को शामिल करें तो बहुत अच्छे रहेंगे ये वेट लॉस के लिए। इनमें विटामिन सी होता है जो कि बहुत हेल्प करता है वेट को रिड्यूस करने में। उसके 2 घंटे के बाद हमें करना है अपना लंच। लंच में कोई भी चीज जो आपके घर पे बनी है, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, कुछ भी जो आपके घर पे बनता है, चिकन वगैरह जो भी बनता है वो आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कटोरी चावल ली है, छोले, लस्सी और थोड़ा सा सलाद लिया है। लेकिन ध्यान रखना है पोर्शन का, अगर आप 2 कटोरी भर के खाते हो राइस तो आपको उसको 1 कटोरी कर देना है, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लंच के 45 मिनट्स के बाद फिर से जो सेकंड नंबर आता है वो है सेकंड ग्रीन टी का, तो 45 मिनट्स के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो लंच के 2 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, लेकिन मैं चाय लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय की तलब होती है, तो मैं 2 कप या 3 कप चाय जरूर ले लेती हूँ, लेकिन जैगरी पाउडर के साथ। उसमें जो व्हाइट शुगर होती है वो ऐड नहीं करते, ब्राउन शुगर भी ऐड नहीं करनी है। जो गुड़ की चाय होती है वो आप ले लीजिएगा, मैंने लास्ट वाले वीडियो में, वेट लॉस वाली वीडियो में शायद मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार जाके मेरे वीडियोस चेक कर लीजिएगा पुराने। चाय के 1 घंटे बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो ज़्यादा नहीं लगी, तो मैं यहाँ पे पपाया ले रही हूँ। अदरवाइज आप एक ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, एक चीला ले लीजिए, या फिर मखाने, या फिर भुना हुआ जो चना होता है एक मुट्ठी वो ले लो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है, और हेल्दी ऑप्शन के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं सारी चीज़ों के। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मील होता है वो है हमारा डिनर। तो मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक डिनर फिनिश कर लीजिएगा, 7 बजे तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ हम लेडीज है, फैमिली के साथ रहते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो 8 बजे तक भी आप ले लीजिएगा। डिनर में आपको सिर्फ ओट्स लेने हैं, या फिर खिचड़ी या दलिया बस, या दाल और चावल भी आप ले सकते हो। इन ओट्स में कोई भी शुगर ऐड नहीं है। अगर आप चाहते हो, बिना चीनी का नहीं खाया जाता, तो आप हनी ऐड कर सकते हो। मैं बिना चीनी का खा लेती हूँ, 3-4 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी। ओट्स को जरूर शामिल करें अपने डाइट में, स्पेशली डिनर में, इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो कि वेट लूज में हेल्प करता है। रिजल्ट आपको 1 मंथ में मिल जाएगा अगर आप इसको डिनर में शामिल करते हैं तो। उसके बाद जो लास्ट ड्रिंक है, अगर आपको फिर भूख लगती है तो 10 बजे के आसपास आप दूध ले लो, नहीं तो फिर जो लास्ट ड्रिंक है वो है 1 ग्लास नींबू पानी, गरम ग्लास पानी में, 1 ग्लास में मैंने 1 नींबू ऐड किया है, कोई भी चीनी, हनी, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ 1 नींबू का रस और 1 ग्लास पानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस डाइट के थ्रू आप अपना 1 हफ्ते में 2 से 3 किलो वजन आराम से कम कर लेंगे। पोर्शन कंट्रोल करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है मॉर्निंग में, रात को आपको ओट्स लेना है, और 45 मिनट्स की वॉक करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना जो है वेट लॉस इजीली कर सकते हैं। ACV का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई भी आपको ये वीडियो पसंद आती है किसी भी पॉइंट पे, तो इसको लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें आने वाली वीडियोस के लिए, कुछ ऐसी ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है, और मैं मिलूँगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।